जय महाकाल, जय महाकाल। संपूर्ण योगाभ्यासियों को मेरा प्रणाम। सोलर पावर्ड ह्यूमंस, विनोद, योगी विनोद आनंद फ्रॉम बाली इंडोनेशिया। ये मैं अपने उन प्यारे भारतवासियों को जो शांभवी, वज्रौली, खेचरी, केवली, कुंभका और ये शीर्षासन के माध्यम से, घंटों शीर्षासन के माध्यम से समाधि को कैसे प्राप्त करना है, ये मेरा वीडियो उनके लिए है। कुछ मेरे योगाभ्यासी भाइयों ने पूछा था शांभवी के बारे में और त्राटक के बारे में। आइए हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहले तो आप जो भी योगाभ्यास करते हैं उसकी आपकी जो है उसकी अथेंटिकेशन वो होना चाहिए। जैसे हठ योग प्रदीपिका है, ब्रह्मांड पुराण है, आप क्या करते हैं उसका पतंजल योग सूत्र है, तो हमारा सारा जो साधना है उस पर आधारित होनी चाहिए। तो अभी इस समय जैसे बाली में हम आएंगे आपकी शांभवी मुद्रा के ऊपर और उन्मनी मुद्रा। देखिए, आप थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन होता है लोगों को, इसको हम स्टार्ट करते हैं, लीजिए त्राटक से। अब इस प्रयास में कि हम योग की विद्याओं का आदान प्रदान कर सकें, इस प्रोसेस में हमें अपना परफेक्शन, मान लीजिए जिस प्रकार से मेरा ये प्रयास, ये वीडियो बनाना, ये मेरा एफर्ट मुझे स्वयं को परफेक्ट करने का है। तो सबसे पहली बात, शांभवी में योग के षट कर्मों में यदि आप योग में चलते हैं, और ख़ास करके इन दिनों जैसे ओमिक्रॉन है, बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाना हमारा जो हमारा जो अभ्यास है वो सबसे पहले शरीर विदेही होना और रोग मुक्त हो जाना। तो लीजिए, मैं थोड़ा जैसे त्राटक कर रहा हूँ, मैं साथ साथ बोलूँगा, आपके जो आपने मुझसे पूछा है शांभवी के बारे में उसमें डिस्कस करेंगे। लिए टाइम बड़ा प्रेशियस है, ये मानव का जीवन एकमात्र बुलबुले का समान है। यदि हम उस समय टाइमलेसनेस की हम अगर तुलना में इस सोलार सिस्टम, देखिए आज जैसे बाली में अभी सुबह सनराइज़ के बाद अब सनसेट हो रहा है, वो देखिए याद कीजिए आप उस उर्दू का, सुबह होती है फिर शाम होती है, यूं ही ज़िंदगी तमाम होती है, मार्वलस। ये इस प्रकार से प्रतिदिन जब हम ये त्राटक, इसको आप किसी भी कीमत पे धीरे धीरे, अभी थोड़ा सूर्यदेव थोड़ा सा ऊपर हैं, जो नए हैं जो अभ्यास करना चाहते हैं आपके ये अष्टांग योग के षट कर्मों का भी है। देखिए, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ साथ के साथ मैं त्राटक का अभ्यास भी कर रहा हूँ, आपने भी यही, इससे बड़ा ये रामबाण है सब योगों का, आई मीन सारी बीमारियों का, और आपका आपके अग्रसर होने का अष्टांग योग में। तो यहाँ अब हम आते हैं, देखिए आप इसको मिस मत कीजिए, मैं करता रहूँगा आपसे बात बताऊँगा। त्राटक, मात्र त्राटक से योग में समाधि की प्राप्ति योगी करते हैं। सूर्य पे नहीं, सूर्य पे ये सबसे बड़ा त्राटक है, और यदि आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ेंगे, योग के शामियाना त्राटक और ध्यान की जो बड़ी सर्वोच्चम स्थिति है उसे शामियाना कहा गया है, यानी कि वो कंसंट्रेशन की हमारी, उसके ऊपर जो हमारा ध्यान एकत्रित होता है उसकी चरम सीमा है, वो हो जाने पर हमें अलग अलग चीज़ों पर त्राटक करने से अलग अलग उसका प्रभाव है। जैसे सूर्य पे त्राटक पे शामियाना करने से पूर्ण मृत्यु लोक का ज्ञान स्वतः ही हम में स्फुरित होने लगता है, चंद्रमा पे त्राटक करने से हमें पूरे तारों की गति का ज्ञान होने लगता है। तो इसी प्रकार जब मनुष्य जब
बहुत सूक्ष्म हो जाता है यदि आप किसी मनुष्य पे त्राटक करते हैं, यानी कि आप थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे या उसके बारे में सोचेंगे, आपको उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उसके जन्मों जन्मों तक का, आपको स्वयं अपने जन्मों का। तो ये तो रही त्राटक की बात। तो अब पहली चीज, आप कोई भी योग क्रिया करते हैं, हम सोलर पावर्ड ह्यूमंस, मैं दोबारा आपको बोलता हूं कि हमारा जो मिशन है वो मानवता की सेवा है, और इससे बड़ा कोई आपका भक्ति का मार्ग नहीं हो सकता। जीव मात्र की यदि आप सेवा करें और उससे आपका नॉन वायलेंस यानी के अहिंसा, अहिंसा के बिना, ब्रह्मचर्य के बिना आप यदि त्राटक करते हैं, आप उल्टे लटकते हैं, आप कुछ भी खेचरी, कुछ भी आप बातें करते रहिए, शाम्भवी वो कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता। तो ये रही हठयोग प्रदीपिका, और आप जो है पतंजलि योग सूत्र, आसन सिद्धम मंत्र सिद्धम। फिर आसन सिद्ध होता है 3 घंटे 48 मिनट में, सिद्ध आसन, पद्मासन मेन आसन है, वज्रासन है, फिर आप हमारा जैसे शीर्षासन, हर योगी का एक अपना आसन होता है वीर्य की रक्षा करते हुए। तो आज हम विस्तार में बात कर रहे हैं, मैं अपने उन दोस्तों से, उन अपने योगाभ्यासियों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे शाम्भवी के बारे में बोला था। पूरी योग की, पूरे जितना हमारी आध्यात्मिक, जो हम किसी भी योग से चलते हैं, भक्ति मार्ग है, चाहे कर्म है, चाहे सांख्य योग है, सबका उद्देश्य हमें एक ही लक्ष्य है, इस मृत्यु लोक से ऊपर, जो ये कि एकमात्र हमारे मन की कल्पना है, वहाँ पहुँचना है, वो बातों का विषय नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए, आज से अपना लीजिए, फिर हम अभी शाम्भवी की बात करते हैं। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय यदि आप 5 से 10 या 15 या 20 मिनट आप बढ़ाते जाएंगे त्राटक, आपका पूर्ण योग, आप संपूर्ण बीमारियों से, कोई भी इस मृत्यु लोक की बीमारी आपको मृत्यु के जबड़ों में नहीं ले जा सकती, और इसका मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दूंगा, और वो प्रमाण भी अपने ऊपर दूंगा। सो जैसे खेचरी, तो अब आइए, अब इस प्रोसेस में कि हम, मैं भी थोड़ा अभ्यास अनिवार्य है जीवन का एक एक क्षण, तो आइए आप मेरे साथ देखिए, पलकें ना झुकाते हुए सूर्य देव की ओर, जो खेचरी के अभ्यासी हैं वो इसमें प्राणायाम भी कर सकते हैं। आप देखिए मैं जैसे आपको कितना, हाँ मेरे वो जो एक मित्र हैं, हाँ त्रिवेदी जी, प्रणाम, ओफ आई लव, जहाँ कोई योगाभ्यासी दिखता है वो स्वयं, ओ उसमें स्वयं आपके योगी पतंजलि ऋषि मार्कंडेय, उन्हीं का स्वरूप दिव्यमान है। तो मेरे प्यारे त्रिवेदी जी, आपको भी प्रणाम, आपकी डिवोशन। तो ये यहाँ रहा, आप मेरे साथ पहले त्राटक देख लीजिए, आप पलकें, अब ओम सूर्यदेवाय नमः। जो खेचरी के अभ्यासी हैं, त्राटक के साथ साथ आप इसमें सूर्यभेदी प्राणायाम भी कर सकते हैं। देखिए जैसे सूर्यभेदी प्राणायाम, देख लीजिए ये सब बीमारियों के इलाज, और जो लोग सेक्स में अपने किसी प्रकार की कमजोरी है, तो हमारा सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, ध्यान रखिए जो लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिन्हें बहादुरी और उसको वैलर, पुरुष रूपेण हमें जो शिवजी टाइप क्वालिटी चाहिए, उसके लिए सूर्यभेदी प्राणायाम है। उसमें आप गलती से भी चंद्रभेदी प्राणायाम ज़्यादा ना करें, अन्यथा आप में लड़कियों वाली क्वालिटियाँ आने लगेंगी। इनको अनुलोम विलोम में बैलेंस किया जाता है, लेकिन अब ये जो सूर्यभेदी प्राणायाम है उन व्यक्तियों के लिए है जो सेक्सुअली कमज़ोर हैं, चाहते हैं जीवन, अपना वैवाहिक जीवन बहुत अपन एक सक्सेस बनाना चाहते हैं। तो इससे बड़ा कोई भी आपके पास, ये रामबाण है आपकी, आपकी जो पोटेंशियल, आपकी जो सेक्सुअल पावर्स हैं, आपके गृहस्थ जीवन को बनाने के लिए, पृथ्वी हमारा ये सूर्य का ही अंश है, इसको प्रत्यक्ष करके देखिए।
रोज 15 मिनट धीरे धीरे आंखें झपकाए यदि आप, और इसे परम गोपनीय रखा जाता है। ये मैं गुरुजी की आज्ञा से शांभवी और त्राटक जिस प्रकार से अपनी पत्नी के साथ बनाए, जैसे शास्त्रों का मैं आपसे मैं दे रहा हूँ, आप पन्ने पलटिए, जिस प्रकार से हम अपनी पत्नी के साथ बनाए संबंध और अपना जो खजाना है छुपा हुआ उसका किसी को भी हम बताते नहीं हैं, इसी प्रकार गोपनीय रखा जाता है इन त्राटक को, शांभवी क्रियाओं को, और जो खेचरी और वज्रौली इन क्रियाओं को। गुरु जी की अनुकंपा से उनकी आज्ञा अनुसार मैं आपको ये थोड़ा सा इसलिए शेयर कर रहा हूँ। देखिए, जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ आंखें नहीं पल झपकी। यदि आप आंखें इस प्रकार से, चाहे आप आकाश पे त्राटक करें या किसी फूल पे या ओम पे त्राटक करें सिंदूर से लिखकर, या आप खित का दिया जलाकर उस पे त्राटक करें, और यदि आप आंखें 20-25 मिनट तक अपना ब्लिंक करना भी रोक सकते हैं झपकना, तो आपका मन स्वतः ही स्थिर होने लगेगा। तो यहाँ पहले तो आसन सिद्धम मंत्र सिद्धम, आसन पे अधिक से अधिक से अधिक बैठना है जिसने योग मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति करनी है, बातों से नहीं। स्वतः ही मन अंतर्मुखी होगा, स्वतः ही, ये विज्ञान है। जैसे आर्कमिडीज प्रिंसिपल है, जो चीज़ हल्की है उसका एक नियम है, वही तैरेगी। लोहा उसमें डूब जाएगा, यदि आप 1 किलो का एक जहाज बड़ा टन होगा वो तैरेगा। तो ये नियम है, जब तक वो आप पूर्ण नहीं किया, आप कदाचित नहीं, बातों से ना आप अंतर्मुखी हो सकते हैं, ना ही आप चक्रों की बात करें, वो व्यर्थ है। योग में आसन पहले ही दृढ़ होना। फिर देखिए त्राटक इस प्रकार से कम सूर्य पे थोड़ा कठिन है तो आप चंद्रमा पे कीजिए, किसी सितारे पे कीजिए। तो यहाँ अब मैं आपको धीरे से लाता हूँ शांभवी, जो कि हमारे प्यारे भाइयों ने पूछा है। तो आप सबसे पहले सूर्योदय के सामने, सूर्य के सामने सूर्य भेदी प्राणायाम करना ना भूलें, पद्मासन पे, अर्ध पद्मासन पे। और अब मैं देखिए, मैं जैसे मुझे लगा तो मैं पलकें झपकाई, मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ। और जब धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ेगा तो आपके अश्रु नहीं आने चाहिए। जब आपको लगे कि अब अश्रु आ जाएंगे, पलकें धीमे से झपका लीजिए। तो लीजिए अब जैसे मुझे देखिएगा, मैं सूर्य पलकें झपकाई थोड़ी सी, अब देखा कि अश्रु नहीं बहेंगे, तो अब यहाँ से सूर्य भेदी प्राणायाम। देखिए सूर्य भेदी प्राणायाम ये होता है आपको इन दिनों खास करके आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ये दाएं से लेना, जैसे पहले तो आसन अपने सिद्ध हो गए हैं आप, बुद्धम शरणम गच्छामि। ना तो योगाभ्यास की गोपनीय क्रियाएं उनसे शेयर करें, ना कभी उनको कराएं, ना खुद करें। जो मांस का सेवन करते हैं, ये योग का पहला नियम है, बुद्धम शरणम गच्छामि, अन्यथा आप लाभ की बजाय हानि को प्राप्त होंगे। आप बजाय भगवान को पाने के पागल खाने में डॉक्टरों को प्राप्त हो जाएंगे आप। मैं बड़ी क्रियाओं की बात कर रहा हूँ, ये उदक फुदक आप अनेकों आसन करना वो आप करते रहिए, वो फिजिकल फिटनेस तक चलेगा सर्कस के माफिक, यहाँ नहीं। आप देखिए सूर्य में कैसे आपने पुरुषत्व को प्राप्त करना है, जो सेक्सुअली वीक हैं, जिन्होंने शादी करवानी है, दृढ़ होना है, उनके लिए देखिए मैं आपको आज ये दे रहा हूँ एक सूर्यदेव के ऊपर त्राटक, दूसरा सूर्यभेदी प्राणायाम, और यदि कहीं त्राटक करते समय हो जाए, ये है सूर्यभेदी। देखिए मैं सूर्य की ओर देख रहा हूँ, आसन में पद्मासन जो भी आप कर सकते हैं, भली प्रकार ये दाएं से सांस खींचिए, पेट को थोड़ा बाहर को आने दीजिए, आप जानते हैं उससे डायफ्राम पूरा फैलता है, फेफड़े नीचे तक भरेंगे, देख लीजिए आप, ओम नमः शिवाय, सीधे हुए। आंखें टिकी रहे सूर्यदेव पर, वाह क्या पक्षियों की आवाज है, बाली इज हेवन, स्वर्ग है बाली। अब देखिए मैंने बात कर रहा हूं मैं आपसे, लेकिन आपने मूल पंथ अपने गुदा द्वार को ऊपर को भींचना है, पेट को अंदर को करना है, वो ध्यान बंद होगा, इस गले को नीचे दबा दीजिए विशुद्धि चक्कर, तो ये आपका मूल बंद उड्यान जालंधर बंद, ये इसमें सांस को रोका हुआ। अब मैं रोकना सांस को, मैं बात कर रहा हूँ, मैं इसके बाद बात नहीं करूँगा, एक आपको दिखाऊंगा, बाएं से छोड़ा, पूरा देख लीजिए सूर्यभेदी प्राणायाम का एक राउंड, ये हाथ से कर रहा हूँ, फिर खेचरी से करेंगे, कैसे हाथ की आवश्यकता नहीं। सूर्यदेव की ओर आँखें टिकी हुई हैं, फिर देखिए
पूरा सांस भर रहा हूँ, मैं बोलूँगा नहीं, आप देखते जाइए, कुंभक फिर रेचक आप देखेंगे, मैं पूरा कर रहा हूँ अभी, स्टार्ट, हियर आई गो। इसका अनुपात है पूरक कुंभक रेचक 1:4:2, 1:4:2। हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि बादल आ गए हैं तो सूर्यदेव मैंने शाम्भवी का बताना है, तो जो खेचरी जानते हैं उन्हें यह लगाने की जरूरत नहीं। जिभ्या कपाल कुहर में स्वर देखिए, अभी बादल आएंगे, मैं आपको थोड़ा समापन करना चाहूँगा। खेचरी लगाया, मैं आवाज़ कर रहा हूँ, आपने आवाज़ नहीं करनी, आप समझ सकें, मैं जीभा से कंट्रोल कर रहा हूँ, ये खेचरी जानने वालों के लिए ये इसका प्रभाव है। देखिए, कुंभक हाथ नहीं लगाना, जिभ्या से। तो अब मैं आपको बताऊंगा शाम्भवी, क्योंकि सूर्यदेव अभी सूर्यास्त का समय है, बादल आ चुके हैं, तो मैं अपने भाई उसके लिए जो विशेषकर, ओ त्रिवेदी जी, ओ ऑन द यूट्यूब, ओ पहले तो हम नमस्कार करें उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने गैजेट्स बनाए हैं, देखिए हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये रही आपकी शाम, देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन मत ही होगा, उन्मनी मुद्रा और शाम्भवी, इसमें आप थोड़ा सा फर्क देख लीजिए। शास्त्रों में, अनेकों पुस्तकों में कई बार उसको बदली हुआ, देखिए आँखें ऊपर, जैसे आपने देखा होगा ये महात्मा बुद्ध जी की, देखिए आँखें पलकें हैं इसमें, आप गौतम बुद्ध जी हैं, फिर गुरु नानक देव जी को देखिए, उनकी आँखें देख लीजिए ऐसे आधी बांध, ये ऊपर देखो देख लीजिए, इसमें असीम शांति आ जाएगी मन को इमीडिएट। हाँ, तो अब इसमें मैं दोबारा दिखाता हूँ, कैमरा यहाँ तो दोबारा देख लीजिए, या इसको भी शाम्भवी कह देते हैं, लेकिन असली शाम्भवी यहाँ देखना, उन्मनी भी उसी का नाम है। उन्मनी मतलब मन से ऊपर, चित्तवृत्ति निरोधस्य, मन को निरोध करना, तो ये उन्मनी बहुत बड़ी क्रिया। देख लीजिए मेरी आँखें यहाँ, हियर आई गो, लुक एट माई आईज, ये घुमाया मैं, देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ आ जाएंगी, ये देखिए यहाँ आप शायद देख पा रहे हैं, हाँ कैमरा इज टू बी हियर, ये देख लीजिए मैं यहां करता हूं, ये दोनों आई बॉल्स घूम के हमारे यहां आ जाएंगे, देखिए ये, यदि ये शुरू में ना हो तो एक नाखून के ऊपर दृष्टि जमा लीजिए ऐसे, ये हाथ ऐसे करके नाखून, उसको नाखून को देखते रहिए, पास लाते जाइए, आपकी स्वतः ही, ये देखिए मैं नाखून को नहीं छोड़ रहा हूँ, तो मेरी स्वतः ही जो है ये उन्मनी मुद्रा हो जाएगी। अब बात है यहाँ रुकने का, ये हमारा लेफ्ट लोब दाएं हिस्से को हमारा संचालन करता है मस्तिष्क, जो राइट है बाएं को करता है, तो इसमें जब बैलेंस होता है यहाँ आता है, मन स्वतः ही अध्यात्म की ओर जाने लगेगा। आप शाम्भवी क्रिया इसको उन्मनी बोल लीजिए, मन से ऊपर यहाँ, लेकिन देर तक रुकना है, अश्रु नहीं आने देने। त्राटक की जब अंतिम जो परिणति है, जब वो पूरा 3 घंटे जो आप अंदर उतर जाता है, सूर्य बातों का विषय नहीं, गुरु गम्य है, तो स्वयं ही शाम्भवी लग जाती है, समाधि में भी लगती है उन्मनी। इसको आप शाम्भवी से कहीं कंफ्यूज कर देते हैं, शाम्भवी को इतना ही रखते हैं ये, लेकिन वास्तव में उन्मनी शाम्भवी का कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये यहाँ पर केंद्रित होना। अभी सूर्यदेव जो है बड़ा ही विहंगम दृश्य देख लीजिए आप, ये बारी वंडरफुल मार्वलस, ओम बुद्धम शरणम गच्छामि, ओम बुद्धम शरणम गच्छामि। तो ये अपना जो कुछ लोग जानना चाहते थे ये है। और एक चीज़ ध्यान रखिए,
हाँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और ख़ास करके ध्यान रखिए आप लोग, योगा में हम सब एक ही हैं, तो ऊँची द्वैतवाद समाप्त हो जाता है, तो वहाँ हम स्थिर रहें, उसके लिए आप हमें फॉलो कीजिए। अगेन मैं कहना चाहूँगा, इस सॉर्ट ऑफ लव, मैं हिमालय की उनमें था, तो देन जबलपुर, देवरा बाबा जी का लीनियज है, तो हमारा मकसद लोगों को आई मीन द बेस्ट काइंड, जो अमृत है उसका हम शेयर करें, क्योंकि भगवान फिर भगवान की लीला अपरंपार है, वो आपको क्या करते हैं फिर भगवान ना, फल की इच्छा त्याग के ये आप योग कर्म कर रहे हैं, जीवों की सेवा करना, ये आप जीवों की सेवा करेंगे आप तो स्वतः ही आपका योग सिद्ध होने लगेगा। जो वानप्रस्थ हो जाते हैं, संसार को छोड़ देते हैं, उनका तो वैसे ही योग सिद्ध हो जाता है, दुनिया से इंटरेक्शन खत्म होता है, वो आपके लिए नहीं है, वो गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आश्रम है, फॉल्ट कहीं नहीं ढूंढना है। भारत, हमारी संस्कृति बहुत ऊँची है, बहुत बहुत ऊँची है, ओम नमः शिवाय, उसको फॉलो कीजिए आप। और ये जो योग है ये तो फिर ओफ वाह, ओम नमः शिवाय। सो ये आज शांभवी का था, आसन सिद्ध कीजिए हमारे साथ रोज, मैं लाइव हूँ आज, ओ थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, ओफ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग सोलर पावर्ड ह्यूमंस, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, वेलकम टू बाली, या वेलकम टू बाली, अभी भगवान की कृपा से बाली खुल रहा है, हमारे यहाँ बाली में बहुत से भारतवासी हैं उनके अच्छे, यहाँ पे उनके आयुर्वेदा सेंटर्स हैं, बेंगलोर की हैं, सुजाता जी हैं, और एक नए हमारे एक दोस्त हैं, मैं भी उनका, बड़े अच्छे लोग हैं, यू नो दे आर मोस्ट वेलकम टू बाली, हैं मोस्ट वेलकम, ओफ बाली इज़ हेवन, ऋषि मार्कंडेय जी की गुफाएं, वेलकम, ओम नमः शिवाय, सोलर पावर्ड ह्यूमंस, विनोद, जय महाकाल, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, अगेन थैंक्स टू दीज गैजेट्स एंड द ग्रेट ब्रेन्स हु इन्वेंटेड एरोप्लेन्स, उन्हीं की कृपा से आज मैं बैली में बैठा हूँ, हम लोग जहाज़ों में सेफ घूमते हैं, है ना, कितना, तो ऐसा ही हम योग भी ऐसा ही दें लोगों को, जो बिल्कुल मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई फ्लॉ ना हो, उसमें कोई मिलावट ना हो, तो भगवान भी फिर आपको वैसा ही प्योरिटी देते हैं, मोक्ष देते हैं। जय महाकाल, जय महाकाल, कीप वॉचिंग अस, ओम नमः शिवाय, आई होप यू हैव एंजॉयड मी, ओके त्रिवेदी, त्रिवेदी जी, आई होप अभी आप चतुर्वेदी जी बनेंगे, ये नाम भारतवर्ष के बड़े प्रिय हैं, जिन्होंने कितने वेद पढ़े, 3 वेद पढ़े त्रिवेदी जी, 4 चतुर्वेदी जी, हम तो फौजी हैं, हम तो फौजी हो गए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओम नमः शिवाय।